हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड, मैं तो बढ़िया हूँ। टाइम हो गया है 6:45। मैं अभी 5 मिनट पहले ही जागा हूँ। 5 मिनट में भाई मैंने चाय भी पी ली, क्योंकि चाय ठंडी थी। आज फ्रेंड पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद ना आने का एक कारण है भाई, क्योंकि भाई आज मैं खटिया पे नहीं, बगस पे सोया था। फ्रेंड देखो, बगस पे ही बैठा हूँ, इसी पे ही सोया था भाई। तो ये कमर रह गई भाई, बहुत दर्द कर रही है। और फिर भाई सुबह की रात ठंड भी लगी, और इन्होंने कथई भी नहीं रखी उड़ने के लिए भाई। मैं ऐसा आलसी कि ना तो मैंने फैन बंद किया, ना मैंने रजाई निकाली भाई। अब नींद आ रही है भाई, मैं का ही करूँ। और आज माता रानी का दूसरा दिन है, यानी नवरात्रि का दूसरा दिन। कल का दिन तो अच्छा रहा भाई, क्योंकि हमारा तो हफ्ते में व्रत रहता ही है, तो कल का दिन तो नहीं ऐसा। देखते हैं भाई आज भी व्रत है, क्योंकि मैं तो भाई 9 दिन व्रत रखने वाला हूँ। आज दूसरा दिन है व्रत का, और देखते हैं भाई आज के दिन का ही होता है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। आ बेटे, अपन का करेंगे किसी कल कर ले जाने प्रोजेक्ट के नाम पे। भाई साहब मुझे कह रहा पापा प्रोजेक्ट बना लो, पर वे जे जा तो प्रोजेक्ट में बनाऊ ना, इतको तो चिटे तो बना दूंगा ना। कब बनाने? कल तो जाऊंगा। हाँ तो आज संजा को आके बना दूंगा। हैं हैं, इतको तो चिटे आज तो मोनी दो तुमने। हैं चल संजा को आके बना दूंगा। आज जा आज संजा आके काम से है? ठीक तैयार हो लो स्कूल को। है स्कूल जाओगे ना आज? जी जी कहाँ है? जी जी जाएगी स्कूल? जी जी नहीं जाएगी। इसके भी पेपर चालू हो गए भैया, और खुशबू के भी चालू हो गए भाई। तो खुशबू के तो एक दिन छोड़ के एक दिन है भाई, लेकिन इसके डेली डेली पेपर है भाई। तो ये जाता है 9 बजे। अब ठीक हो गए पूरा खुशबू? ठीक है अब नहीं जाने। इधर देखो, हमारी शिवम के लिए लंच और नाश्ता भी बनने लगा। कहाँ बना रही? हाँ पराठे भर रहे हैं भाई। देखो आलू की सब्जी की, वो भी दुनिया आलू के पराठे बनाते जी, सब्जी के पराठे बना रही है। अब मेरे शिवम के लिए लंच तैयार हो रहा है भाई, वो भी पराठों का, आलू के पराठों का लंच तैयार हो रहा है शिवम के लिए। फ्रेंड भाई किस तरीके से पराठे भर रहा है भाई। ये तो लग गई भाई फ्रेंड काम में। और एक मैं भाई अभी सोकर उठाऊं भाई, और अपने ही बगस पे बैठा हूँ भाई। आंखों में नींद आ रही है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते भाई आज का दिन कैसे गुजरेगा भाई। पीजी तो नहीं होने वाला भाई, क्योंकि 9 दिन काफ़ी दिन होते हैं फ्रेंड। और ये मेरा भाई 9 देवियों का तीसरा व्रत है भाई। पिछली साल भी रहा था, और इससे पहले मैं रहा था भाई 2008 में भाई 9 दिन। आने में भाई कोई ऐसे फरारी वगैरह होता है ना भाई, फरारी नमकीन मूंगफली दाने और केला संतरा फल फ्रूट जो भी। लेकिन अभी तो भाई बहुत महंगे हैं भाई। कल मैंने पूछे थे भाई 70-80 किलो बता रहे थे भाई, क्योंकि भाई सैली लेके आना पड़ेंगे ना, घर में बच्चे भी तो ना, वो भी तो खाएंगे भाई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी भाई, मैं तो आज फिर आलू लेके आने वाला हूँ भाई। आलू खत्म हो चुके हैं, बहुत महंगाई है फ्रेंड, का ही करें भाई। और ये देखो फ्रेंड पराठा भर रहा है, तेल लगा रही है पराठे में। व्रत को मतलब का हो तो व्रत में अगर पेट भरो तो सही बात है। पराठा सिकरा है भाई हमारी शिवम का। फ्रेंड आप ही बताओ व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है भाई अगर आपका पेट भरा रहा है भाई, वो व्रत नहीं माना जाता भाई। व्रत का मतलब है कि थोड़ा बहुत खाओ, उसके बाद अगर भाई
व्रत में खाते रहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे तो वो व्रत नहीं माना जाता, पर तो पेट ही भरा है भाई। अब हम सुबह कुछ नहीं खाने वाले, सारा दिन कुछ भी नहीं खाएंगे फ्रेंड, केवल ओनली चाय और पानी पियेंगे। उसके बाद शाम को ही भाई कुछ ना कुछ खाएंगे, वो भी ज़्यादा नहीं खाएंगे, इतना खाएंगे भाई जो पेट के चूहे हैं ना भाई वो शांत हो जाए बस, इसी को व्रत कहते हैं भाई। पाँच राख ले भाई, कहाँ राख ले पाँच पाँच ले नो देवी तो इस सम्मान में क्या हो रहा है, इतना तो चौकूरे जाओ है। मैं तो हफ्ता में तीन दिन रह लेता हूँ, सोमवार मंगल शनिवार कुछ भी नहीं खा तू संजा को खाना खाता हूँ बस। लेकिन भाई अब तो शाम को भी कुछ नहीं खाने वाले, केवल फरार करने वाले हैं। ये देखो फ्रेंड, शिवम का पराठा बनकर रेडी है। चलो फ्रेंड ये तो काम में लगी हुई हैं, आप भी दुआ करना भाई ये नौ दिन बढ़िया निकले। मंडी जाएंगे काय को हां काय को सबका चाय पत्ती है तेल नहीं तेल अबे आओ तो यार ये ना आओ मुड़मुड़ नहीं का करना पता ठीक है ना तुम सब कुछ मुड़मुड़ को नहीं करने पता जो के बकर मैं अपे काय करता हूं मैं अपे काय नहीं करता मुड़मुड़ को नाम मत ले बकर मुड़मुड़ को करता हूं खाता रुपए सवाल ने और खाता हूं मैं पर को नहीं करती ठीक है जी मुड़मुड़ को बनना है मुंह को नहीं बनना है चलो ठीक है अब तुमसे का कह दे हम महंगाई को जमानो है यानू न्यू महंगाई जमानो तो लो जी का करे। चलो फ्रेंड रेडी हो लेते हैं, रेडी होने के बाद मिलने वाला हूँ तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना फ्रेंड। फ्रेंड 7:34 हो चुके, आपका भाई नहा धो के एकदम रेडी है अपने काम पर जाने के लिए। का दे तुम तो वो बनाया है चप्पल आज का दिन कैसा ही जाने वाला है। आज भी सारे दिन कुछ नहीं खाने वाले भाई, यार नवरात्रि का दूसरा दिन है भाई, चलते हैं। चप्पल ले लिए तिल के लिए, चला चप्पल शिवम भी रेडी है, चप्पल डाबे कुणाल भी रेडी है, पनी काय को ले रहो चप्पल ले जुमू देव का कर रहो रे। ओ देव की तो पढ़ाई चल रही है आज। और वंश का कर रहा, वंश दवाई पी ली, वंश को भी बुखार आ गया फ्रेंड। का लिख रहा जी अदरक अदरक भाई पे फेर रहा वे उल्टी है जी कपड़ा पीस रेडी होगा, चाबी ले लूँगा। ये देखो फ्रेंड हमारी बच्ची पाँच, कैसे हो फ्रेंड देख रहे हैं भैया समरे, ये तो ये सबसे हटके है भैया कार हो, बाकी इन तीन का सेम कलर है, इसका थोड़ा देखो भाई कैसा कलर है, इसका ब्लैक कलर है। यही तो कह रहा हूँ तो क्या मेरे पापा लुल ले और झूठे फ्रेंड हमारा रेडी है, चले चलते हैं फ्रेंड शाम को मिलते हैं, अब सारा दिन काम करना है भाई। चलो चाबी ले लिया फ्रेंड, बाइक हमारी उधर रखी है गांव से बाहर, मतलब गांव में ही है लेकिन दूर है, उसमें तेल की कट्टी तेल तो लाने है ना ऑर्डर है। शाम के 6:18 हो गए हैं फ्रेंड, तो देखो शाम कितनी जल्दी होने लगी भाई, गर्मी में ना भाई इस टाइम धूप खिलती थी लेकिन अभी मतलब अंधेरा छाने लगा है और ये लत्ते समेट रही हैं भाई। कुणाल बैठा है भाई छत पर, खुशबू भी है छत पर, शिवम भी है छत पर, हाँ बोल अपन नहीं कह रहे कौ से भैया खा ले ना बस हाँ तो दे तो दही वो अल्लाह करेगी वाले जिन पे कैसे पोट रहा है। पीयूष भी आ गया है, पापा देखो मैंने घर बनाया है, हाँ कहाँ बना हुआ घर घर है जी हाँ। मैं नहीं कह रहा भैया हम लड़ाई हो जाएगी दाल चावर की, मैं तो ब्रत चल रहा हूँ फ्रेंड, आज दूसरा दिन निकल गया भाई, अभी तक तो भाई भूख भूख नहीं लग रही लेकिन शरीर की एनर्जी जरूर फ्रेंड ऐसी लग रही है कि शरीर में कुछ है ही नहीं है, चला भी नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा पेट में कुछ भी नहीं है भाई, आते पीते कुछ भी नजर नहीं आ रही भाई। और भाई आज मैंने अपना वजन तोला था तो मेरा वजन था 56 किलो 600 ग्राम, तो देखते हैं भाई 9 दिन में मेरा कितना वजन कम होने वाला है,
9 दिन कुछ भी नहीं खाने वाले, केवल वो ही थोड़ा कार में चलता है भाई, वही चीज़ें खाएंगे। मेरी बिट्टी बैठी, तबीयत कटी है मेरी बिट्टी की। एक दिन भाई रात को ले गया था मैं इसको, 8:30 बजे इसके पेट में अचानक दर्द होने लगा भाई। बाबा दिन मैं भी हो रहा हूँ ऐसे। तुम क्या खाते खावे में? चाचा जी ना फूल मार रहा है, ये तो जब मार रहे तो कौन लड़क जाएगी। मैं नहीं कह रहा कम से कम रोटी सब्जी तो खाते फिर क्यों तो उदम नहीं कर बैगर बस कैसे मेरी बुद्धि खराब है, बुद्धि मंद खराब कर बैगर। कल स्कूल जाऊं, कल स्कूल जाएंगे बच्चे। अभी तक तो फ्रेंड कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस थोड़ा पेट खाली खाली लग रहा है भाई। बाजार में जाते हैं ना भाई, कुछ चीज़ देखते हैं ना भाई, उसे खाने की इच्छा होती है बस। इच्छाएं मार के रखना पड़ रही है भाई अभी, और ये 9 दिन भाई इच्छा मार के ही रखना पड़ेगी। घर में सब्जी बन रही है भाई, उसकी मस्त खुशबू आ रही है ना भाई, खाने की इच्छा होती है लेकिन खा ही करे भाई। जो बोलते हैं ना भाई, संकल्प लिया है ना भाई, उसको तो पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए फ्रेंड। मैं ये 9 दिन का संकल्प पूरा करके ही रहूँगा, यानी 9 दिन का ये व्रत मैं फ्रेंड पूरा करके रहूँगा। और देखते हैं फ्रेंड, अभी शाम दूर तो नहीं है, शाम तो हो चुकी है, अभी बिजली भी नहीं है भाई, और गर्मी भी है फ्रेंड, गर्मी काफ़ी पड़ रही है भाई। फ्रेंड अभी बारिश जाए हुए कितने दिन हो गए होंगे? 4-5 दिन हो गए होंगे फ्रेंड। आसमान में बादल बादल कुछ भी नहीं है भाई, आसमान साफ पड़े हुआ है फ्रेंड। 8:33 पहुँच चुके हैं। अब तो भाई भूख तो नहीं लग रही, लेकिन भाई प्रसादी तो पाना पड़ेगा, ये माता रानी का प्रसाद है। ये भाई फरारी नमकीन है, और ये 3 आलू हैं भाई उबले हुए, तो इन्हीं को फ्रेंड खाने वाला हूँ मैं। आप भी खा लीजिए फ्रेंड। फ्रेंड 8:49 हो चुके हैं, और मेरा फरार हो चुका है, यानी भाई माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर लिया है। और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा भाई, ज़्यादा परेशानी नहीं आई, देखते हैं भाई कल का ही होगा। मेरी बच्ची पढ़ाई कर रही है, ये देखो खुशबू कहाँ पढ़ रही बेटी, पेपर है, पढ़ाई कर रही है। और मैं तो भाई इसी बगस पे सोने वाला हूँ, लेकिन फ्रेंड आज मैंने डबल बिस्तर लगा लिया, देखो भाई कल ये नहीं बिछाई थी ना ये बिछाई थी भाई, करवट रह गई थी भाई। आज देखते हैं भाई काफ़ी होता है, आज तकिया बकिया भी लगा लिया, बढ़िया गुदगुदा कर लिया भाई, इससे बढ़िया नींद आ सके। अब देखते हैं भाई आई रात में कहीं होने वाला, नींद आती है कि नहीं आती, कल तो नहीं आई। एंड आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, प्लीज़ प्लीज़ भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये 9 दिन का व्रत है भाई, कोई मामूली व्रत नहीं होने वाला, एक चैलेंज से भी बढ़ गया है भाई, लेकिन माता रानी की कृपा बनी रही ना भाई, सारे दिन मस्त जाएंगे आज की तरह भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, ओके बाय।